Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to tell you about extraocular muscles. So without wasting time, let's start. Anatomy of extraocular muscles. A set of 6 extraocular muscles, 4 rectus and 2 obliques, which are control the movement of each eye. In rectus, muscles are superior rectus, inferior rectus, medial rectus and lateral rectus. The oblique muscles are include the superior oblique and inferior oblique. Now the movement of extraocular muscles. The first one is medial rectus. हमारी जो medial rectus होती है वो हमें medial side, it means toward the nose, देखने में help करती है like this. And जो हमारी lateral rectus होती है वो हमें lateral side देखने में help करती है, it means away from the nose. जो हमारी सुपीरियर रेक्टस होती है वो हमें अपर और मीडियल साइड देखने में हेल्प करती है. इन्फीरियर रेक्टस हमें डाउनवर्ड और मीडियल साइड देखने में हेल्प करती है. जो हमारी रेक्टस होती है वो हमें मीडियल साइड देखने में हेल्प करती है, पर जो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक होती है वो हमें लेटरल साइड देखने में हेल्प करती है. जो हमारी सुपीरियर ओब्लिक होती है वो हमें डाउनवर्ड और लेटरल साइड देखने में हेल्प करती है, और जो हमारी इन्फीरियर ओब्लिक होती है वो हमें अपवर्ड और लेटरल साइड देखने में हेल्प करती है. ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स. रेक्टस मसल्स. रेक्टस मसल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन टेंडिनियस रिंग, इट मीन्स द एनल्स ओरिजिन विच इज अटैच एट द अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो हमारी मिडिल रेक्टस है वो हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द रिंग से अराइज होती है, और जो हमारी लेटरल रेक्टस है वो हमारी लेटरल साइड ऑफ द रिंग से अराइज होती है. हमारी इन्फीरियर रेक्टस अराइजेस फ्रॉम द इन्फीरियर पार्ट ऑफ द रिंग, एंड द सुपीरियर रेक्टस, दिस वन इज द सुपीरियर रेक्टस, अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द रिंग. जो हमारी ये चारों रेक्टस होती है आर रन फॉरवर्ड अराउंड द आईबॉल एंड इंसर्टेड इनटू द स्केलर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द लिम्बस, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. जो हमारी इस मसल्स का डिस्टेंस होता है कॉर्निया से वो हमारा होता है मीडियल रेक्टस का 5.5 mm. जो हमारी इंफीरियर रेक्टस होती है उसका होता है 6.5 mm. जो हमारी लेटरल रेक्टस होती है उसका डिस्टेंस होता है 6.9 mm. और जो हमारी सुपीरियर रेक्टस होती है वो हमारी होती है 7.7 mm. नाउ द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर ओब्लिक मसल्स. जो हमारी सुपीरियर ओब्लिक मसल है वो अराइज होती है फ्रॉम द बोन अबोव एंड मिडल ऑफ द ऑप्टिक फॉर्मिना, दिस वन इज द सुपीरियर ओब्लिक. नाउ द इंफीरियर ओब्लिक मसल्स, इट अराइजेस बाय ए राउंडेड टेंडिनियस फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैग्जिला जस्ट लेटरल टू द एनएलडी. एनएलडी इज द नेजो नेक्लिमल डक्ट, दिस वन इज द इंफीरियर ओब्लिक. नाउ कम्स टू नर्व सप्लाई. द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स आर सप्लाइड बाय 3rd, 4th, and 6th करेनियल नर्व्स. 3rd करेनियल नर्व सप्लाई द सुपीरियर मीडियल एंड इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक मसल्स. द 4th करेनियल नर्व सप्लाई द सुपीरियर ओब्लिक एंड द 6th करेनियल नर्व सप्लाई द लेटरल रेक्टस. नाउ हाउ टू रिमेंबर द नर्व सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स. तो एक फॉर्मूला होता है LR6SO4. जो हमारी लेटरल रेक्टस होती है उसको हमारी 6 करेनियल नर्व सप्लाई करती है, और जो हमारी सुपीरियर ओब्लिक होती है उसको हमारी 4th करेनियल नर्व सप्लाई करती है. एक्शन. द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स रोटेट द आईबॉल अराउंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. नाउ हाउ टू रिमेंबर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी एक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स. तो हमारी जो मीडियल रेक्टस होती है वो हमारी एडक्शन में हेल्प करती है, इट मीन्स टूवर्ड्स द नोज, और जो हमारी लेटरल रेक्टस होती है वो हमारी अबडक्शन में हेल्प करती है, इट मीन्स अवे फ्रॉम द नोज. जो हमारी सुपीरियर रेक्टस होती है उसका जो प्राइमरी एक्शन होता है वो होता है हमारा एलिवेशन. जो हमारा सेकेंडरी एक्शन होता है वो हमारा होता है इंटोर्सन. एंड जो थर्ड एक्शन होता है वो हमारा होता है अडक्शन, इट मीन्स टूवर्ड द नोज.
जो हमारे इन्फीरियर एक्टर्स होती है उसका फर्स्ट एक्शन होता है हमारा डिप्रेशन एंड द सेकंड एक्शन इज एक्सटोर्शन एंड द थर्ड एक्शन इज अडक्शन। नाउ जो हमारी सुपीरियर एक्टर्स होती है उसका हमारा जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमारा होता है इंटोर्शन, द सेकंड एक्शन इज डिप्रेशन एंड द थर्ड एक्शन इज अडक्शन। जो हमारी इंफीरियर ओब्लिक होती है उसका हमारा फर्स्ट एक्शन होता है एक्सटोर्शन, सेकंड एक्शन हमारा होता है एलिवेशन और थर्ड एक्शन होता है हमारा अबडक्शन। नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस एक्शन, जो हमारी सुपीरियर एक्टर्स और हमारी सुपीरियर ओब्लिक होती है वो हमारी हमेशा इंटोर्शन में हेल्प करती है, और जो हमारी इंफीरियर ओब्लिक और हमारी इंफीरियर एक्टर्स होती है वो हमारा एक्सटोर्शन में हेल्प करती है। जो हमारी सुपीरियर एक्टर्स और हमारी इंफीरियर एक्टर्स होते हैं वो हमेशा अडक्शन इट मीन्स टूवर्ड द नोज देखने में हेल्प करती है, पर जो हमारी इंफीरियर ओब्लिक और हमारी सुपीरियर ओब्लिक होती है वो हमारी अबडक्शन साइड इट मीन्स अवे फ्रॉम द नोज मतलब लेटर साइड देखने में हेल्प करती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।